हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपका और अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जिला न्यायालयों पर चतुश्रेणी की भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की संख्या है 2309, यानी 2309 पदों पर यह नोटिफिकेशन विभाग ने जारी किया है, जिसमें योग्यता रखी गई है 10वीं पास, और आपका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, न कि पहले की अपेक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर। यानी नए रूल के साथ अब आपका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। अब इससे संबंधित संपूर्ण सूचना हम इस वीडियो में देख लेते हैं। यानी यह सूचना आप देख सकते हो, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जो जिला न्यायालय चतुर्श्रेणी भर्ती 2017, यानी जो दिनांक की है 22 फरवरी 2019 को ही विभाग ने यह सूचना जारी की है। आप डेट यहाँ देख सकते हो। यानी आपको बता दूं कि यह भर्ती 2017 में विभाग द्वारा जारी की गई थी, और जिसके फॉर्म भी 2018 में भरा लिए गए थे, और इसका चयन यानी पूर्व में इसका चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होना था, लेकिन 10वीं के अंकों के आधार पर सामंजस्य नहीं बैठने पर यह परीक्षा सफल नहीं हो पाई। यानी इसमें राजस्थान के कैंडिडेट्स के अलावा अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स ने भी आवेदन किए थे, जिसमें अन्य राज्यों में 10वीं बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम होने की वजह से यह एग्ज़ाम सफल नहीं हो पाई। और इसके साथ ही यानी कई राज्यों में 10वीं एग्ज़ाम बोर्ड टफ है, तो कई राज्यों में 10वीं एग्ज़ाम बोर्ड सरल भी रखा गया है, तो इसकी वजह से यानी यह अंक तालिका के आधार पर यह सामंजस्य नहीं बैठ पाया, इसकी वजह से यह एग्ज़ाम असफल रही। अब यह एग्ज़ाम विभाग द्वारा दोबारा 2309 पदों पर इस पर और फॉर्म भरवाए जाएंगे, और उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। अब इसे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम यह न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो आप नीचे देख सकते हो, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि यह संपूर्ण भर्ती से संबंधित नियम आपको समझ में आ जाएंगे। आप नीचे देख सकते हो, जिला न्यायालयों में चतुश्रेणी कर्मचारीगण के चयन के निर्विवाद व पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल साक्षात्कार के स्थान पर 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन की प्रक्रिया 2017 में बनाए गए नए नियमों के तहत निर्धारित की गई थी। इसमें कुल 2309 रिक्त पदों के लिए 8 फरवरी 2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त हुए आवेदनों में अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार करने के लिए समस्त अंक तालिकाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंडलों से अंक तालिका जारी करने से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। गंभीर विसंगतियों के निराकरण एवं स्पष्टीकरण हेतु शिक्षा मंडलों के उच्च पदाधिकारियों से व्यक्तिगत विचार विमर्श भी किया गया। यानी विभाग विभाग ने इस भर्ती से संबंधित मंडलों के उच्च पदाधिकारियों से व्यक्तिगत विचार विमर्श भी किया गया था, और विस्तृत जांच एवं परीक्षण के पश्चात पाया गया कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सहित कई शिक्षा मंडलों द्वारा पूर्व में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक तालिकाएं जारी की जाती रही है, परंतु विगत कुछ वर्षों से प्राप्त अंकों के स्थान पर ग्रेड अथवा CGPA अंकित किए जा रहे हैं, जिसके कारण प्राप्त अंकों का सटीक आंकलन संभव नहीं है। यहाँ तक कि एक ही बोर्ड द्वारा किसी एक विषय के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतिशत के निर्धारण में कभी तो मूल्यांकन में शामिल किया जाता है और कभी अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंकों के बावजूद विभिन्न शिक्षा मंडलों द्वारा उन्हें अलग अलग ग्रेडिंग अथवा CGPA प्रदान की जाती है। कुछ मामलों में एक ही बोर्ड द्वारा समान प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न छात्रों को अलग अलग रेटिंग या CGPA प्रदान किया जाना पाया गया है। तुलनात्मक परीक्षण पर यह भी सामने आया कि कई बोर्ड उदारता पूर्वक यथा 90% से अधिक भी अंक प्रदान करते हैं, जबकि कुछ बोर्ड का मूल्यांकन कठोर होता है। इसी प्रकार कि अनेक विसंगतियों के कारण भरसक प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसी सटीक व विवाद रहित चयन सूची तैयार किया जाना संभव नहीं हो पाया है, जिससे सभी अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेरिट का सही निर्धारण किया जा सके। राज्य सरकार ने भी इस श्रेणी के कर्मचारी के चयन हेतु 10वीं पास अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी यह बात यह इम्पोर्टेंट है कि राज्य सरकार ने
इस श्रेणी के कर्मचारी के चयन हेतु 10वीं पास अभ्यर्थियों के प्रतियोगी परीक्षा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आगे आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा एवं दिल्ली आदि राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में भी चतुर श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति 8वीं अथवा 10वीं पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाती है। नीचे आप देख सकते हो, समग्र परिस्थितियों पर विचार विमर्श के उपरांत राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर श्रेणी कर्मचारियों के चयन से संबंधित नियमों में नियुक्ति की पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाने हेतु तदानुसार समुचित संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वर्तमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर उसके स्थान पर नए सिरे से निर्विवाद एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु नियमों में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन खेद व्यक्त करता है। यानी वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा। यानी आप गौर करके देखिए, वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा। वांछित आवेदन करने पर उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी और उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी पूर्व में जिनने आवेदन आवेदन कर चुके हैं उनके पास दोबारा आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और नए कैंडिडेट भी इसमें दोबारा आवेदन कर सकते हैं। भावी चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को समुचित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि लौटाई जाएगी। इस संबंध में समय समय पर आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, वह आप देखते रहिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और साथ ही बेल आइकन को दबाए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इससे संबंधित और कोई आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।